सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो क्या सब सभी लोग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई इस दिवाली पे मैंने स्पेशल एक नया पीसी गेमिंग चैनल ओपन किया है, तो जाके सब्सक्राइब कर दो यार, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो भाई अभी के टाइम पे इंडियन गेम पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि मायानगर के जैसा ओपन वर्ल्ड गेम्स आ रहा है। इनफैक्ट और भी काफी सारे फैंटास्टिक इंडियन गेम के ऊपर बात करने वाला हूँ इसी वीडियो पे, जिसमें आपको जीटी इंडिया गेम से इंडियन कार लाइक थार, स्कॉर्पियो, फॉर्चुनर गेम, बिसाइड इंडियन ट्रेन और भी कुछ नया फैंटास्टिक गेम को ऐड किया है। गेम काफी जबरदस्त होने वाला है, इसलिए प्लीज स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखो, नहीं तो एक या दो गेम देख के समझ में नहीं आएगा कौन सा गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। हमारे लिस्ट पे नंबर 5th रैंक पर है भाई द गैंगस्टर। गेम पूरी तरह से ऑफलाइन रहेगा। तो भाई अगर आप एक इंडियन मैप के ऊपर GTA टाइप गेम एंजॉय करना चाहते हो तो ये गेम आपके लिए है, क्योंकि इस गेम में एक ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है। गेम का पहला स्टोरी मोड दिखाया जाता है। बिसाइड आप GTA गेम के जैसा रोड में से किसी के गाड़ी को चुरा के ड्राइविंग करना, लाइक इंडियन ऑटो, इंडियन ट्रक, सिर्फ इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके इजिली आप जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। और जब आप कोई भी ऑटो एंड एम्बुलेंस को ड्राइव करोगे तब काफी सारे मिशन खेल पाओगे। गाइस एक और मजेदार बात कहूं कि इस गेम का एनवायरनमेंट व्यू एंड ट्रक हॉर्न काफी रियलिस्टिक है भाई। और रही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स क्वालिटी काफी शानदार देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम में मैसिव ओपन वर्ल्ड एरिया में साथ में रियल इंडियन ट्रैफिक के साथ GTA टाइप एक्सपीरियंस आपको काफी जबरदस्त फील आएगा। लेकिन ये गेम अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, डोंट वरी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट गेम में। तो दोस्तों हमारे लिस्ट पे नंबर 4th रैंक पर है इंडियन बाइक एंड कार मास्टर 3D। ये एक ऑफलाइन गेम है, लेकिन कार को अनलॉक करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देख के अनलॉक करना पड़ेगा। बेसिकली ये गेम एक लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप GTA गेम के जैसा सब कुछ कर सकते हो, लाइक सिविलियंस को गन पॉइंट से किल करना, रोड में से किसी का व्हीकल छीन के फुल स्पीड में जैसा तैसा ड्राइविंग कर सकते हो। सिर्फ इतना नहीं, रोड के ऊपर इंडियन बाइक लाइक पल्सर, KTM, एनफील्ड को छीन के ड्राइविंग एक्सपीरियंस कर पाओगे। जब आप कोई भी वेपन से सिविलियंस या तो व्हीकल को ब्लास्ट करोगे, मतलब कोई भी क्राइम करोगे, दिन आपके पीछे पुलिस पड़ जाएगा, और वो भी महिंद्रा थार पुलिस गाड़ी को लेके। पुलिस से छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। गाइस एक और मस्त चीज बताना तो भूल गया हूँ कि इस गेम में इंडियन कार लाइक मारुति ओमनीवैन, थार, क्लासिक स्कॉर्पियो, फॉर्चुनर एंड बहुत सारे सुपर कार एंड ऑल्सो स्प्लेंडर, KTM, पल्सर, R15 और रॉयल एनफील्ड ओल्ड एंड न्यू मॉडल बाइक को ड्राइव कर सकते हो। रियली ये गेम खेलने में मेरे को साथ में ओपी लेवल का वाइब्स आ रहा था, और ग्राफिक्स भी बहुत रियलिस्टिक लगते हैं खेलते टाइम। सो अगर आपको GTA इंडिया के जैसा गेम चाहिए, जिसमें इंडियन कार एंड बाइक और GTA गेम के जैसा फील लेना चाहते हो, तो एक मैप के लिए एकदम परफेक्ट है भाई, तो ट्राई करो यार। अब चलते हैं नेक्स्ट गेम के ऊपर। फ्रेंड्स हमारे लिस्ट पे नंबर 3rd रैंक पर है मीना गेम 2। ये भी ऑनलाइन गेम है और ये एक बांग्लादेशी गेम है। गेम पूरी तरह से बेस्ड है विलेज एरिया के ऊपर, जिसमें मीना नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो पूरा सभी विलेज पर्सन को हेल्प करता है, और अब चाइल्डहुड में जो कुछ भी मस्तियां बुली करते थे सब कुछ इस गेम में देखने को मिलता है, लाइक मुर्गी को पकड़ना, नदी से मछली पकड़ना, जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बच्चे को जन्म देने के बाद जो कुछ भी करना पड़ता है वो सब कुछ मतलब मीना नेम का कैरेक्टर सभी लोगों को हेल्प करता है। गेम को खेलते टाइम काफी ज्यादा सुकून मिलता है, और ग्राफिक्स एंड एनवायरनमेंट व्यू रियली काफी सैटिस्फेक्शन देता है खेलते टाइम। और भाई गेमिंग साउंड एंड नेचर साउंड इतना मस्त है, जब आप खेलोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। अब ग्राफिक्स के बारे में बोलो तो ग्राफिक्स एंड विजुअल्स टॉप नॉच है भाई। तो भाई अगर आपके पास एक मिनिमम 1GB रैम का डिवाइस है तब भी इस गेम को स्मूथली एंजॉय कर पाओगे। इसी के साथ बात करते हैं एक और धमाकेदार गेम के बारे में, जिसका नाम है कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। वेट, इतना भी क्या जल्दी स्किप करने का। ये गेम अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट कार ड्राइविंग गेम में से एक है। इस गेम का ऑनलाइन मोड में मल्टीप्लेयर भी एंजॉय कर सकते हो। तब इस गेम में मिशन के बारे में बोले तो इस गेम में टोटल 100 से ज्यादा पार्किंग मिशन एंड ऑल्सो टोटल 7 डिफरेंट लोकेशन अवेलेबल है, जैसे कि सिटी, माउंटेन, ऑफ रोड, रोड रैली, हाईवे, माउंटेन लोकेशन में ड्राइविंग करना पड़ता है, जिसमें आप लार्ज मैप को एक्सप्लोर करोगे। साथ ही साथ टोटल 100 से ज्यादा सभी ब्रांड का गाड़ी अवेलेबल है, जिसमें महिंद्रा थार, इनोवा, BMW कार एंड और काफी सारे इंटरेस्टिंग इंडियन गाड़ी देखने को मिलेगा, जिसको अपने हिसाब से फुल्ली मॉडिफाई भी कर पाओगे। और पार्सनल लेने में को इस गेम का जो ऑफ रोड रूट एंड सिटी रूट इतना फैंटास्टिक लगा है भाई, क्या बात हो आप लोगों को। और गेम का ग्राफिक्स के बारे में बोले तो ग्राफिक्स क्वालिटी एंड विजुअल्स सच में फैंटास्टिक है बॉस। इस गेम के बारे में और नहीं बोलूंगा, अगर आपके पास मिनिमम 3GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम का आपको डेफिनेटली खेलना चाहिए। इससे बड़े ओपन वर्ल्ड मैप में एक्सप्लोरेशन किसी गेम में शायद देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लिस्ट पे नंबर 1 गेम में, और गेम है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2023। इस गेम को मैं 2018 साल से खेलता हूँ एंड बहुत दिनों से प्ले स्टोर में से गायब था, एंड फाइनली गेम मॉडिफाई होके प्ले स्टोर में देखने को मिल गया। आपसे तो मजा ही मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें मिलता है बहुत सारे मोड
जैसे कि कैरियर, सीनरियोज, कस्टमर एंड ऑल्सो क्विक प्ले। गाइस इस गेम में सिर्फ ईस्ट एंड वेस्टर्न रेलवे को कवर किया गया है, जिसमें देखने को मिलता है सबसे बड़ा हावड़ा जंक्शन, देन दुर्गापुर, आसनसोल, दिल्ली, जयपुर, गया, प्रयागराज, कानपुर, धनबाद, मुंबई, जिसका अंदर इतना सारे एक्सप्रेस अवेलेबल है कि खेलने के बाद ही पता चलेगा। बाय द इस गेम में रियल हिंदी, बंगाली अनाउंसमेंट, साथ में रेलवे स्टेशन के ऊपर रियल पैसेंजर का कॉन्वर्सेशन जस्ट अमेजिंग लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी टाइप लोकोमोटिव एंड ऑल्सो अलग अलग कोचेस के साथ इंडियन ट्रेन ड्राइविंग और साथ में अलग अलग कैमरा एंगल पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस को जस्ट फैंटास्टिक बनाता है। इनफैक्ट एक और चीज बताना तो भूल ही गया हूँ कि इस गेम में इंडियन ट्रेन हॉर्न इतना रियलिस्टिक और बहुत तेजी से साउंड निकलता है, एकदम कम्प्लीटली रियल के जैसा ही वाइब्स देता है। तो भाई अगर आपने इस गेम को नहीं खेलोगे तो इससे बढ़िया इंडियन ट्रेन गेम अभी के टाइम प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है भाई। तो इसी के साथ बात करते हैं बोनस गेम के बारे में, जिसका नाम है भैंस ड्राइविंग सिमुलेटर। ये गेम शायद आपने इससे पहले कभी नहीं खेले हो। बेसिकली इस गेम में जो एनवायरमेंट देखने को मिलता है वो कम्प्लीटली बेस्ड है विलेज एरिया के ऊपर, जहाँ पे माउंटेन रोड में ड्राइविंग, इनफैक्ट गाँव एरिया के ऊपर आपने कार को ड्राइविंग एंजॉय कर पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गेम में एक फ्रेंड के साथ मुलाकात करके काफी सारे मिशन लेके कम्प्लीट करना पड़ेगा, जो होने वाला है रियली काफी शानदार। साथ ही साथ और भी अलग अलग गाड़ी चला सकते हो, इनफैक्ट यहाँ पे आप बन सकते हो एक टैक्सी ड्राइवर, और गेम का साइज के हिसाब से ग्राफिक्स रियली काफी जबरदस्त होने वाला है। तो भाई अगर आपके पास मिनिमम 2GB का डिवाइस है तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। सो गाइस वीडियो बस इतना ही, कौन से गेम आपको पसंद है प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।